वेलकम गाइस, एजुकेशन इंटेक में हम आपको करते हैं खुश आमदीद। अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो सैमसंग की डिवाइसेज हैं वो गुम हो जाती हैं, डेटा आप किस तरह सिक्योर कर सकते हैं, लोकेशन किस तरह ट्रैक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बेसिकली फ़ोन का गुम होना, फ़ोन का चोरी होना, फ़ोन का लॉस होना आजकल की जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन में आपका पर्सनल डेटा होता है, आपका ऑफिशियल डेटा होता है, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है आप लोगों के लिए। तो डेफ़िनेटली आप लोग यही चाहेंगे कि अगर हमारा डेटा जो है वो, हमारा फ़ोन गुम हो गया तो हमारा डेटा किसी के हाथे ना चढ़े, किसी के हाथ ना आए या डेटा लॉस ना हो हमारा। तो ये बहुत जो है वो एक इम्पॉर्टेंट इशू है आजकल के दौर में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली अगर आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो गया, उसको आप ट्रैक किस तरह कर सकते हैं, लोकेशन किस तरह ट्रैक कर सकते हैं, इसके अलावा आप जो है वो अपने डेटा का बैकअप कैसे ले सकते हैं दोबारा जब आप न्यू सैमसंग डिवाइस लेंगे। याद रखिएगा, ये मैं सिर्फ सैमसंग के लिए बता रहा हूँ, सैमसंग के कोई भी मॉडल हो, दोबारा आप कोई सैमसंग की डिवाइस वगैरह लेते हैं तो ये जो डेटा का बैकअप आपने लिया ये कैसे आप रिट्रीव कर सकते हैं, ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन हम अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम आपको लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन। सबसे पहले आएंगे हम अपने ब्राउज़र में, और ब्राउज़र में आने के बाद गूगल ओपन करेंगे और यहाँ लिखेंगे फाइंड माई फोन सैमसंग। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, मेक श्योर कि आप जो वेबसाइट ओपन करें samsung.com ऑफिशियल वेबसाइट है, गो टू माई फाइंड माई मोबाइल में जाएंगे, यहाँ पे आके हम साइन इन करेंगे। मेक श्योर को आपका आपने अपने मोबाइल में जिस आईडी से लॉगिन किया हुआ है उसी आईडी से जो है वो आपने यहाँ पे लॉगिन करना है। साइन इन करें, यहाँ पे साइन इन करने के बाद आप, अच्छा आप मोबाइल डिवाइसेस भी देख रहे हैं, साथ में आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, लेट सपोज मेरा फ़ोन गुम हो गया, मैं यहाँ पे रिंग पे क्लिक कर देता हूँ, रिंग पे मैं क्लिक करूँगा, ये देख रहे हैं आप, इवन अगर आप देख सकते हैं मेरा फ़ोन साइलेंट पे, लॉक पे मैं आता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये टेम्प्रेरी लॉक होगा आपका, ठीक है। टेम्प्रेरी लॉक इन द सेंस कि जब तक आप अनलॉक नहीं करेंगे, आपने एक दफ़ा अपने डिवाइस को अनलॉक के दोबारा लॉक करना चाहें तो दोबारा उसके लिए अलग कोड होगा। अब मेरी स्क्रीन आप देखेंगे, ये फ़ोन लॉक्ड हो गया और आपसे ये दिस फोन हैज़ बिन लॉस्ट लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ पे 8585 मैंने क्लिक किया, ठीक है, ओके किया, इगर इनकरेक्ट है। अब मैं 1 2 3 4 मैंने लिखा, ओके किया, मेरे पास ऑन हो गया। उसके बाद मेरा अपना स्क्रीन का जो लॉक है वो लगा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करके ये आप देख लें अनलॉक हो चुका है, ठीक है। उसके बाद मैं आऊँगा ट्रैक लोकेशन पे, ट्रैक लोकेशन पे मैं क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरी लोकेशन जो है वो ट्रैक करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, कनेक्टिंग टू योर फ़ोन। यहाँ पर देखिए कि पॉपअप आ गया, लोकेट ट्रैक ट्रैकिंग टर्न ऑन, ठीक है। ये हर 15 मिनट के बाद जो मेरी लोकेशन होगी अपडेट होगा। लेट्स सपोज मैं अपना फ़ोन उठा के एक लोकेशन दूसरी लोकेशन में जाऊंगा तो ये मेरी लोकेशन को अपडेट करेगा। स्टॉप कर देता हूँ यहाँ से मैं, उसके बाद यहाँ से इरेज पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए कि ऑल ऑफ योर डेटा विल बी परमानेंटली इरेज्ड। मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं है, गुम हो चुका है, यहाँ से मैं इसको इरेज कर सकता हूँ। बट मेक श्योर कि अगर आपका फ़ोन गुम हो गया तो सबसे पहले आप उसका बैकअप लें, यानी कि ऑल फोन मैसेजेस कॉन्टैक्ट्स, यानी कि आपकी कॉन्टैक्ट डायरेक्टरीज, कैलेंडर्स, क्लॉक, इमेजेस, वीडियो, ईच एंड एवरीथिंग, गैलरी का जो भी आपका डेटा होगा वो आप उसका बैकअप ले लें, ठीक है। बैकअप लेने के बाद जो है वो आप इसको डेटा इरेज कर दें। इससे होगा क्या कि आप कोई नया डिवाइस, जब नई डिवाइस परचेज करेंगे और सेम आई डी से लॉग इन आप करेंगे तो आपका सारा डेटा, सारा का इवन आपकी कॉल लॉग्स भी उस डिवाइसिस में आ जाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप यूज़ कीजिएगा इन केस आपको फ़ोन गुम हो जाता है। रिट्रीव कॉल मैसेजेस, इस पर क्लिक करके आप अपने कॉल मैसेजेस को भी रिसीव कर सकते हैं, यानी कि 50 रिसेंट कॉल और मैसेजेस जो आपके फ़ोन में है उसको आप रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। अनलॉक, यानी कि जो आपने यहाँ पे लॉक किया उसको आप अनलॉक कर सकते हैं, आपका फ़ोन आपको मिल गया, यहाँ से आप बैटरी लाइफ को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सेट गार्डियंस को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेट सपोज़ कि अगर आप इसमें आप न्यू गार्डियन, यानी कि आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, आप जो ट्रस्टी हैं आपके, जिन पर आप ट्रस्ट करते हैं, उनके अकाउंट यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, फिर उनके अकाउंट के थ्रू भी आप अपने डिवाइस को
ट्रैक कर सकते हो और ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ड्यूरेशन यहाँ से सेट कर सकते हैं आप, ऑलवेज या कस्टम, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक था, ये मैं आपको एंड्रॉयड के लिए बता रहा हूँ, सैमसंग के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर आपको इस वीडियो से इस्तफादा हुआ हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।